हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैक्सिमम बच्चों का ये डाउट है जो कि मेरे टेलीग्राम मैसेज में आया और व्हाट्सएप में आया कि सर संकल बेच के फीचर्स क्या है जो हमारा आरआरबी जेई 2024 के लिए चल रहा है, तो सर इसके बेस्ट फीचर्स बता दीजिएगा। देखो बेटा, इसके अंदर जो फीचर्स हम बताने जा रहे हैं वो फीचर्स आपको शायद किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी जितने भी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म चलते हैं वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली बात तो हमारे पास ये है कि हमारे पास ये बेच आपका मोस्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे रूरल एरिया से आते हैं और आरआरबी जेई उनका सपना है और बहुत सालों बाद ये वैकेंसी आपके पास आ रही है। तो सबसे पहले बच्चों का होता है सर प्राइस कितना रहेगा। बेटा मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा है, क्योंकि प्राइस अफोर्डेबल बनाना या महंगा बनाना ये एक अलग बात होती है। दूसरी बात होती है कि सर क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड हमारा कंटेंट है, तो हम बता देते हैं कि आपका ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट है। यूट्यूब पे बहुत सारे डेमो हमारे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मोस्ट अफोर्डेबल देख लीजिएगा प्राइस। अगर हम बात करें तो बेटा आपके पास अगर ओनली टेक्निकली आप लेना चाहते हो तो टेक्निकल आपके पास 1600 तक आपको मिलेगा और आपके पास 1999 में आपको टेक और नॉन टेक दोनों आपको मिल जाएगा। पहली बात तो कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि सर ये बेच रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, जो कि आपके 3-4 साल पहले रिकॉर्ड करके डाल दिए या लाइव होगा। तो बेटा सारे के सारे सेशंस लाइव होंगे, लेटेस्ट कंटेंट होगा और अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, क्योंकि प्रीवियस को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा है अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, तो ये अभी लेटेस्ट में जो नए क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं तो उस पर ये चलने वाला है। तो बेटा लाइव बेच होने वाला है कंप्लीटली आपके पास ये इलेक्ट्रिकल का बेच। जो बच्चे लाइव में अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तीसरी बात हमारे पास ये होती है कि इसके अंदर सेपरेट पेड ग्रुप जो कि कोई आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। एक जैसे ही आप कोर्स के अंदर इनरोल हो गए मास्टर प्लस एजुकेशंस पे एप्लीकेशंस पे, ये आपके पास ग्रुप आपको मिल जाएगा जैसे आप इनरोल हो गए तो, ठीक है। तो एप्लीकेशन सारे बच्चे इंस्टॉल कर लीजिएगा। चौथी बात हमारे पास ये है कि सर बच्चे बोलते हैं कि सर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें, यहां से करें, यहां से करें। देखो बेटा, बच्चे बोलते हैं कि सर हम कोई दूसरा ले लेते हैं, बेच ले लेते हैं एमसीक्यू के लिए। नहीं मेरे भाई, एक बेच सफिशियंट है आपके पास, इसके अलावा आपको कोई एमसीक्यू बेच लेने की जरूरत नहीं है। सारे आपके पास टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूस आपके इसके अंदर करवा दिए जाएंगे। बात समझ में आ गया, जो कि कोई नहीं देता है दोस्त। पांचवी बात हमारे पास ये आती है कि सर पढ़ाते तो सब हैं, सारे टीचर कोर्स भी सेल कर देते हैं। कोर्स सेल करने के बाद बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, बच्चे परेशान होते रहते हैं सर तैयारी कैसे करें। लेकिन ये इकलौता एक ऐसा बेच होने वाला है जिसके अंदर आपको लाइव मीटिंग आपकी ली जाएगी। 15 डेज के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, आप डेफिनेटली 15 डेज के अंदर लाइव मीटिंग होगी, उसको आप अटेंड कर लीजिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी रिजोल्व कर दी जाएगी, जो कि कोई प्रोवाइड नहीं करता, ये संकल्प बेच आपको प्रोवाइड करता है। अगली जो बात होती है हमारे पास कि बच्चों को टास्क अलॉटमेंट चाहिए होता है कि सर अगर बच्चों को दे दिया जाए ना बेटा डेली इतना काम करना है, तो बस वो करना ही है, वो डिले नहीं होना चाहिए। डिले होगा तो बेटा बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 6 महीने तो लगते ही है मेरे भाई। 6 महीने से अगर आप कम टाइम लेके चल रहे हो तो फिर कहना ही क्या, सर इधर के रहेंगे या उधर के रहेंगे, तो 6 महीने आपके लगते हैं मेरे भाई। तो आपके पास यहाँ पे लाइव मीटिंग होगी और आपके पास टास्क अलॉटमेंट आपको दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हम इस बेच के अंदर चलने वाले हैं। दूसरी बात सर, अगर जैसे कि 2019 में हमारे पास आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, तो उसमें सीबीटी 1 के अंदर पूरा नॉन टेक था और सीबीटी 2 के अंदर पूरा टेक्निकल था आपके पास, उसके अंदर टेक्निकल आ जाता है आपके पास। अब देखिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां पे जो अभी जो भी आरआरबी का बेच चल रहा है ये टेक और नॉन टेक दोनों का चल रहा है, सीबीटी 1 के अंदर अगर उन्होंने टेक्निकल भी डाला तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि एक वीक के अंदर आपकी 4 क्लासेस आपकी चलने वाली है। उसके अंदर देखो 2 तो टेक्निकल होगी और 2 आपकी नॉन टेक होगी, तो टेक और नॉन टेक को हम साथ में लेके चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग चलेंगे तब जाके हम एग्जाम को करेक्ट कर पाएंगे। अगली बात यहां पे देख लीजिएगा, पर वीक के अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे। संडे को आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, उस दिन आपको रिवीजन करना है जितना पढ़ाया है। डेफिनेटली मेरे भाई 6 महीने लेके चलिएगा, 6 महीने में आपके पास ये एग्जाम आपका निकल जाएगा। अभी हमारे पास टाइम है, बच्चे क्या करेंगे कि सर जब हमारे पास फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और जब हमारे पास एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। मेरे भाई
उस टाइम पे इतनी तैयारी नहीं होती है जितनी इस टाइम पे होगी, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम जो हमारे दूसरे बैच में थे इंद्रधनुष बैच जो कि रिकॉर्डेड बैच था, वो फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आप एक एक दिन अगर आप लगा रहे हो कि सर हम तो बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, तो बेटा बाद में करते करते ये पूरा जो एग्जाम है जो 5 साल बाद हो रहा है, इसमें भी आप अपनी सीट नहीं निकाल पाओगे, बहुत ज्यादा डिले कर दोगे, तो वो टाइम आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो बेटा अभी जो हमने ये बैच चलाया है, अभी 3 दिन हो गए हैं इसकी क्लासेस स्टार्ट हुए, तो डेफिनेटली आप उनको एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डेमो भी है। तो 3 दिन हुए हैं, ज़्यादा डिले मत करिएगा, अभी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है, बाद में इसकी प्राइस हाइक हो जाएगी तो फिर बाद में मत बोलना सर उस प्राइस में लेके आ जाएगा, क्योंकि उस प्राइस में ये बेच फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फिर बाद में 2 से 3 दिन का आपके पास टाइम है, उसके बाद इसकी प्राइस आपके पास हाइक हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे डायरेक्टली मास्टर प्लस एजुकेशन सर्च मार लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी बेच के रिलेटेड और भी आपकी क्योरी है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाई।